नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद देश भर में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान के चलते पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर लखनऊ के रामा देवी के छत्रपति शिवाजी महाराज सभागार में संस्कृत संगोष्ठी चित्र प्रदर्शनी रखी गई, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने रिबन काटकर और इलेक्ट्रॉनिक बैटरी रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 75 जिलों में उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि महोत्सव रखे गए। इसी तरह प्रत्येक जनपद में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। 75 साल आज़ादी के व्यतीत होने पर एक संदेश है प्रधानमंत्री जी का कि हमारा हिंदुस्तान एक आत्मनिर्भर भारत बने और विकसित देश बने। खबर बुलंदशहर से है, जहां युवाओं ने लगातार 75 घंटों तक तिरंगा फहराकर इतिहास रचा, जिसके बाद डीएम एसएसपी ने युवाओं की टोली को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि लिम्का बुक, एशिया बुक और इंडिया बुक में लगातार 71 घंटों तक राष्ट्र ध्वज फहराने का रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड भी बुलंदशहर के युवाओं ने ही कराया था। खबर गोरखपुर से है, जहां आजादी के 75 साल पूरे होने पर महिला पुलिस बल और पुलिस कर्मियों के बच्चों की मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू हुई और एमपी पॉलिटेक्निक से होते हुए गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर संपन्न हुई। इस दौरान सभी के हाथ में तिरंगा और मन में देश प्रेम का जज्बा दिखा। खबर अयोध्या से है, जहां शहर से सटे अयोध्या लखनऊ हाईवे पर थाना कैंट क्षेत्र में बने कालिका हवेली रेस्टोरेंट में अधिवक्ताओं और रेस्टोरेंट कर्मचारियों की मारपीट के मामले ने तूल पकड़ ली, और इस मामले में कार्रवाई ना होने का आरोप लगाकर सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता सड़क पर उतर आए। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या शादतगंज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खबर फतेहपुर से है, जहां फ्लिपकार्ट के ऑफिस में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और बंदूक की नोक पर 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की। आपको बता दें, ये सारा मामला सदर कोतवाली इलाके के बुलेट चौराहे का है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां एक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में गर्रा पुल से नदी में छलांग लगा दी। वहीं भीड़ देखकर रुके जलालाबाद के भाजपा विधायक ने मौके पर सिक्योरिटी गार्ड की मदद से मौके पर घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घर जा रहा था भोजन करने के लिए, तब तक अचानक एक फ़ोन आ गया हमारे मित्र का, महेश गुप्ता जी का, कि एक लड़की गर्रा नदी से कूद गई है। तो मैंने मतलब घर न जा करके सीधे उसको वापस हुआ, और वापस में देखा कि लड़की एक नाम बेहोश की हालत में पड़ी हुई थी। तो हमने और उधर से विधायक जी, हमारे जलालाबाद विधायक हरिप्रकाश वर्मा जी निकल रहे थे, तो हमने और उन दोनों लोगों ने मिलकर के उस लड़की को उनकी पर्सनल गाड़ी में लाद करके यहाँ जिला चिकित्सालय में एडमिट करा दिया है। मैं जलालाबाद से आ रहा था वापस यहाँ के लिए, भीड़ देखी तो पता लगा कि लड़की नीचे कूद गई है, यहाँ ला के भर्ती करा दिया है। ठीक है, ईश्वर की कृपा है, बच जाएगी। क्या कुछ कारण बताया उसने कूदने का? अभी उसको दर्द ज़्यादा है, उसके भाई से भी बात हुई है, उसके भाई भी आ रहे हैं, कोई कारण अभी नहीं बताया। खबर गाजीपुर से है, जहां बाहुबली ब्रजेश सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। बता दें, ये सारा मामला बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमले का है, और इस मामले में अगली कार्रवाई 29 अगस्त को होगी। 2001 में मुख्तार अंसारी आदि के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, और उसमें
तीन लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, उसी मामले का विचारण इस न्यायालय में एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में चल रहा है। उसी में जमानत होने के बाद पिछली तिथि पर आज विजय सिंह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आए थे और अगली तिथि 29/8/2022। खबर शाजापुर से है, जहां बेखौफ दबंगों ने मामूली से विवाद के बाद असलहों से जमकर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और तीन लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।